मेरे चैनल में आप सबका फिर से मैं स्वागत करती हूं। पिछले 5 वीडियोस में मैंने आप सबको उत्तराखंड में मेरे ब्रह्मताल ट्रैक के बारे में पूरी जानकारी दी है। जिन लोगों का मिस हो गया है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के लिंक्स डाल दिए हैं। सभी वीडियोस को देखिएगा, हाँ, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 5 दिन का ब्रह्मताल ट्रैक खत्म करने के बाद हम सब सीनियर सिटीजन ट्रैकर्स अपनी ट्रैक की सुंदर यादों को समेटकर लोहागंज बेस कैंप लौट कर आ गए हैं। दोस्तों, ये हम लोहाजंग वापस आ गए हैं। ट्रैक खत्म हो रहा है हमारा। ये नीचे जो गांव दिख रहा है, ये लोहाजंग। लोहाजंग से 3 ट्रैक्स होते हैं, रूपकुंड ट्रैक, अली बेदनी बुग्याल और ब्रह्मताल ट्रैक। ये बेस कैंप है, बस ये हमारा डेस्टिनेशन है। हमारा ट्रैक आज इसी बेस कैंप में खत्म होने वाला, लोहाजंग बेस कैंप इंडिया हाइक्स का। ये हमारे ट्रैक गाइड धन सिंह जी, बहुत हेल्प किया पूरे ट्रैक में, लगातार साथ रहे। कैसा लगा हमारे साथ ट्रैक करने में धन सिंह जी? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तकलीफ नहीं ना दी ज्यादा? आपका बच्चे जैसा हूँ तो क्या दिक्कत लगे? थैंक यू धन सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। फिर कभी आएंगे तो आपसे जरूर मिलेंगे। आज हम सभी 12 ट्रैकर्स ऋषिकेश वापस जा रहे हैं, जहां से 6 दिन पहले हमारी यात्रा शुरू हुई थी। 260 किलोमीटर कवर करने में वही 9 से 10 घंटे लगेंगे। लोहाजंग आते समय मन में बहुत इच्छा थी कि रास्ते में धारी माता के मंदिर में दर्शन के लिए एक बार रुके जरूर, लेकिन बेस कैंप पहुंचने की जल्दी में ऐसा हो ना सका। लेकिन अब लौटते हुए एक बार मंदिर जरूर रुकना है और आप लोगों को भी मैं दर्शन जरूर करवाऊंगी। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ से मंदिर बह गया था, साथ ही साथ उसमें मौजूद माता की मूर्ति भी बह गई और वह धारी गाँव के पास एक चट्टान से टकरा कर रुक गई। कहते हैं कि उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली, जिसने गांव वालों को उस जगह पर एक मंदिर स्थापना करने का निर्देश दिया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बना दिया। पुजारियों की माने तो मंदिर में मां धारी की प्रतिमा द्वापर युग से ही स्थित है। एक कहानी ये भी है कि माता की मूर्ति ने धारी गांव के एक व्यक्ति को सपने में दर्शन देकर अपने रुकने का स्थान बताया था और उन्हें मूर्ति को निकालकर मंदिर बनाने और मूर्ति स्थापित करने को कहा था। इसके बाद धारी गांव के लोगों ने मूर्ति की स्थापना की थी और विधि विधान से माता की पूजा की जाने लगी थी। भारत में रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। ये मंदिर भी ऐसा ही है। श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां हर दिन एक चमत्कार होता है जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस मंदिर में मौजूद माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती हैं। मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती हैं, फिर दोपहर में युवती और शाम को एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती हैं। ये नज़ारा वाकई हैरान कर देने वाला होता है। ये मंदिर झील के ठीक बीचों बीच स्थित है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि यहाँ मौजूद माँ धारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती हैं। इस माता को पहाड़ों और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी माना जाता है। कहते हैं कि माँ धारी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उनकी मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटा दिया गया था। इसी वजह से उस साल उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। माना जाता है कि धारी देवी की प्रतिमा को 16 जून 2013 की शाम को हटाया गया था और उसके कुछ ही घंटों बाद राज्य में आपदा आई थी। बाद में उसी जगह पर फिर से मंदिर का निर्माण कराया गया।
कहा जाता है कि धारी देवी के दो भाग हैं। उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा धारी देवी मंदिर में प्रकट हुआ, जबकि निचला हिस्सा कालीमठ मंदिर में प्रकट हुआ, जहां उन्हें माँ काली के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार धारी देवी की मूर्ति को किसी भी छत के नीचे नहीं रखा जा सकता, अतः वह भाग सदैव आकाश की ओर खुला रखा जाता है। मेरा नाम अनुज पांडे है, मैं धारी देवी कलासोड़ में माँ धारी देवी मंदिर में पुजारी हूँ। और जो ये मंदिर है, ये काली का मंदिर है, ये द्वापर युग की देवी है इस स्थान पर। और जब 2013 में आपदा आई थी, उसका कारण ये था कि इनको इनके मूल स्थान से उस समय हिलाया गया। अच्छा। जिस वजह से 2013 में इतनी भयंकर आपदा आई इस उत्तराखंड में या पूरे चारों धामों में। और ये चारों धाम की रक्षक देवी है, वहाँ जो भी श्रद्धालु चार धाम की यात्रा करने आता है इस उत्तराखंड में, वो माँ के जरूर दर्शन करता है, तभी उसकी यात्रा कहते हैं पूरी होती है। और ये जो माता है, ये जो प्रतिमा है देवी की, ये दिन में तीन रूप बदलती है। सुबह के समय में कन्या रूप में रहती है माता, दिन के समय पे ये युवती होती है, और शाम को ये वृद्धा होती है। अच्छा। देवी के ऊपर आप देख सकते हैं छत नहीं है, देवी खुले आसमान के नीचे रहना पसंद करती है। और ये शमशान वासनी है, शमशान में रहने वाली देवी है। यहाँ के इनके खास मतलब त्यौहार माँ का नवरात्रि होता है, साल में दो बार उनमें देवी की विशेष पूजा की जाती है, हवन होता है माँ का, माता मनोकामना पूरी करती है आदमी। तो आप आकर के यहाँ दोबारा पूजा करके घंटे को बांध के जाते हैं, इसलिए आप हर जगह लगी हुई। माता के साथ गणेश जी हैं, गणेश जी के बगल में यहाँ भैरवनाथ है, भैरवनाथ जी के बगल में यहाँ 64 योगिनी है, 64 योगिनी के साथ में क्षेत्रपाल आदिगढ़ है, और शंकर जी यहाँ पे है माता के साथ। अच्छा। हर साल नवरात्रों के अवसर पर देवी की विशेष पूजा की जाती है। देवी का आशीर्वाद पाने के लिए दूर और नजदीक के लोग इस पवित्र मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 55 पर श्रीनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जोर से शादी हमारी 1 मार्च को हुई है। 1 मार्च को कोई मान्यता है क्या? मान्यता भगवान का दर्शन करने आते हैं। अच्छा। क्या नाम है आप दोनों का? मेरा नाम मन्नू। कहाँ से? मैं हूँ चमोली। चमोली आप? चमोली से। नाम? हेमा। हेमा बहुत सुंदर लग रही है। विश यू ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। दोस्तों, ब्रह्मताल ट्रेक सीरीज मैं यही खत्म करती हूँ। इस सीरीज के सभी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, जरूर देखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी फिर मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।